भव भय दारुणं
कंजे लोचन कंजे मुख कर कंजे पद कंजारुणम चंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक हर चा तनु जानी सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कले करे आए बाबा तेरे दरबार हम सब मिल कर आए बाबा तेरे दरबार भर दे सबकी झोली तेरे पूरण भंडार भर दे सबकी झोली तेरे पूरण भंडार हम सब मिलकर आए बाबा तेरे दरबार हम सब मिलकर आए बाबा तेरे दरबार होवे जब प्रातः काल होवे जब प्रातः काल निर्मल तत्काल निर्मल हो के तत्काल होवे जब प्रातःकाल होवे जब प्रातःकाल निर्मल हो के तत्काल निर्मल हो के तत्काल अपना मस्तक झुका के अपना मस्तक झुका के अपना मस्तक झुका के अपना मस्तक झुका के करते तुझको प्रणाम करते तुझको प्रणाम तेरे दर पे आगे बैठा सारा परिवार तेरे दर पे आके बैठा सारा परिवार तेरे दर पे आके बैठा सारा परिवार भर दे सबकी झोली तेरे पूरण भंडार भर दे सबकी झोली तेरे पूरण भंडार हम सब करे आए बाबा तेरे दरबार हम सब मिल करे आए बाबा
घड़िया जब हो मुश्किल की घड़िया, जब हो मुश्किल की घड़िया, मांगे तुमसे इमदाद, मांगे तुमसे इमदाद, सबसे बढ़कर ऊंचा जग में तेरा आधार, सबसे बढ़कर कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा हरे रामा जी।
गई माने गोसाई। जय 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 हनु माने गोसाई। जय 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 हनु माने गोसाई। हाँ कृपा परिवार पूरे परिकर के सहित इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार मुख्य यजमान श्री गंगाधर जी को पूरी आयोजन समिति की पूरी टीम को और आप सभी बंधुओं को बहनों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए इस पावन धाम में बैठकर हनुमान जी की आज्ञा से उन्हीं के गुणगान करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है उस सरोवर में अब डुबकी लगाने के लिए हम लोग तैयार हों। बहुत अच्छा लगा मुझे आज, कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। और सच बात यह है कि दिल्ली की टीम कोई आयोजन करे और उसमें अम्मा जी और आदरणीय रामनिवास जी ना हो तो वो जरा अधूरा अधूरा लगता है। कितनी भी अच्छी दाल सब्जी बनाई जाए हींग जीरे का छोंक अगर न लगे उसमें तो स्वाद नहीं आता है। आज आयोजन पूरा हो गया, अम्मा जी का भी आगमन हो गया। मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ कि कैलाश जी की रामनिवास जी की जो जोड़ी है ये जब दोनों साथ होते हैं तभी अच्छे लगते हैं, अकेले अकेले अधूरे अधूरे से लगते हैं। कैलाश जी भी थोड़े अधूरे से लगते थे, आज मुझे लगता है पूरे पूरे दिखाई दे रहे होंगे। कहाँ है
कैलाश जी कहाँ हैं? अच्छा पूर्ण हो गए ना, पूर्ण हो गए तो गए बाहर। बहुत अच्छा लगा। देखिए ये जो इतने आनंद के आयोजन हैं, इसकी शुरुआत तो अम्मा जी के यहाँ से हुई है। बाबूजी ही सब पूर्वी दिल्ली में, मुझे लगता है 15-16 कथाएं हुई होंगी। कितनी हो गई? काफी हो गई। और आपको आश्चर्य होगा, मैं सुबह जब अपने पाठ में बैठा था, पता नहीं क्यों, या तो अम्मा जी ने मुझे याद किया होगा, जो कुछ भी किया होगा, माँ बेटे का तो हृदय एक ही होता है। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि समिति तो बाबूजी की इच्छा को आदर देगी नहीं, तो मैं ही जबरदस्ती अब बेसमेंट में जाके और कथा सुना के बाबूजी को आऊँगा। मैं सवेरे ही तय कर चुका था कि मुझे जैसे समय मिलेगा तो दिल्ली जाकर बाबूजी की कोठी का जो बेसमेंट है उसमें अम्मा जी से कहेंगे एक सोफ़ा हमारे लिए डाल दो, एक पर आप बैठ जाइए, बाकी जाने दो सबको, बाबूजी को कथा सुनाएंगे। और मैं आया तो अम्मा जी के दर्शन हो गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाबूजी साथ ही आए हैं, नहीं तो मुझे ले जाते नहीं। वो उसमें सबको प्रवेश नहीं मिलेगा, जो घर से पैदल चलकर आएगा उसी को प्रवेश मिलेगा। चलो गाड़ियों को खड़ी करने की भीड़ नहीं लगाएंगे, बैठकर समय में और अम्मा जी तय करेंगे, लेकिन होगी बेसमेंट में ही कथा, उसके बाद मैदान में जाएंगे। ठीक है, आज बहुत आनंद। एक बार राधे राधे गोविंद हरि नाम, फिर कथा में चलता हूँ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद श्री हनुमान जी के तेज से भरा हुआ, उनकी महिमा से भरा हुआ, उनके प्रताप से भरा हुआ, उनके पौरुष से भरा हुआ और उनकी कृपा से भरा हुआ सुंदर कांड, जो जीवन के समस्त कांडों को सोपानों को सौंदर्य प्रदान करता है। ये भक्ति को प्राप्त करने वाला और भगवान की शरण में ले जाने वाला ये कांड है। बाकी तो रिद्धि सिद्धियां इसके केवल दर्शन मात्र से ही चारों ओर विचरण करने लगती है, लेकिन इस सुंदरकांड के प्रसंग की महिमा ये है कि भक्ति देवी का आशीर्वाद मिलता है, वहां से आशीर्वाद देती हैं वो, आशीष दीन राम प्रिय जाना। और राक्षस के घर में जन्म लेने के बाद भी भगवान की शरणागति मिलती है, ये विभीषण इसमें प्रवेश करता है। और दो ही हमको चाहिए, भक्ति देवी की कृपा आशीर्वाद और भगवान के चरणों की शरण, और ये सुंदरकांड का प्रसंग ये दोनों को प्राप्त कराता है। थोड़ा थोड़ा सुंदरकांड जरूर करें, थोड़ा थोड़ा करें। मैं नहीं कहता कि एक सवा घंटे में आप पूरा का पूरा 60 दोहे का पाठ करें, जो कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अन्यथा तो 5-5 दोहे से शुरू करें, 10-10 दोहे से शुरू करें। कुछ नहीं कर सकते तो सुंदरकांड की पुस्तक को माथे से लगा के रख दे, हाथ जोड़ ले, लेकिन सुंदरकांड का सुमिरण करिए हमेशा। तो हनुमान जी आपके इर्द गिर्द रहते हैं, दिखाई तो नहीं देंगे लेकिन वो रहते हैं। जैसे पवन दिखाई नहीं देता, अनुभूति होती है कि हवा रमक रही है, हवा चल रही, दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभूति होती है। ऐसे ही सुंदरकांड का जब पाठ व्यक्ति करता है तो हनुमान जी रहते ही हैं, रहते ही हैं। तो कल से वो प्रसंग प्रारंभ हुआ, श्री हनुमान जी ने छलांग लगा दी सागर में, कल ये दर्शन हमने किया था। मैनाक से कुछ वार्ता हुई है, भक्ति करने चलेंगे तो सभी प्रकार के विघ्न आते हैं, सभी प्रकार के।
शायद देवता तौलना चाहते हैं कि ये वास्तव में करना चाहता है, चूंकि भगवान के प्राप्त करने में विघ्न बहुत होते हैं, बहुत विघ्न होते हैं। आप किसी, आप ये रामनिवासी यहाँ बैठे हैं, दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, आपके बड़े परिचित हैं, लेकिन आप आज इनसे ही मिलने जाइए, गेट पर खड़ा कर देंगे, फिर आगे बड़ी मुश्किल से बढ़ाएंगे, आईडी देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर मेटल डिटेक्टर से निकालेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे तो वेटिंग रूम में बिठा देंगे, फिर बहुत देर के बाद कहीं अंदर मौका मिलता है। आप समझिए, एक संसारी व्यक्ति से मिलने के लिए जब इतने झंझट पार करने पड़ते हैं, तो परमात्मा ने तो जाने कितने झंझट लगाए होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो भजन में, भक्ति में, भगवत दर्शन में बहुत प्रकार के झंझट, बहुत प्रकार के झमेले आते हैं, तो भगवान की एक कमजोरी है, भगवान सुभक्कड़ बहुत है। शांताकारम भुजक्षेण, सोने वाला आदमी उस समय बच्चों को भी पसंद नहीं करता, बच्चों से कहता खेले आओ, बाहर जाओ, थोड़ा माँ भी कह देती है पापा सो रहे हैं, बाहर खेलो, डिस्टर्ब मत करो। भगवान सुभक्कड़ है, इसलिए मुझे मेरी नींद कोई न तोड़े, तो इतने वो झमेले लगा देता है, झंझट लगा देता है। अच्छा, कोई झमेले पार कर सकता है, कोई देवताओं को रिश्वत दे सकता है। देवताओं की रिश्वत क्या होती है? देवताओं की रिश्वतें हैं कि उनके नाम के भंडारे करा दो, उनके उत्सव मना दो, उनकी पूजा कर दो, जो भी है ये सब देवताओं की रिश्वत, देवता प्रसन्न होते हैं इससे। या कुछ लोग यहीं से लौट आते हैं, इसलिए हनुमान जी को कह दिया माने कि देखो पापा तुम्हारे सोते बहुत हैं, इसलिए रिद्धि सिद्धि मैं तुमको दे रही हूँ, जो कुछ मांगे ज़्यादातर यही मांगते हैं, ये दे दो ये दे दो। अच्छा, मेरी बात आपको अगर न जच रही हो तो आप में से ओम जय जगदीश हरे की आरती किस किस ने गाई है, हाथ उठाओ। ओम जय जगदीश हरे की आरती किस किस ने गाई है? उस आरती को हम क्यों गाते हैं? जो ध्यावे फल पावे दुख दिन से मन का, स्वामी दुख दिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। कोई पूजा इसलिए करता है कि भगवान हमको चाहिए, या इसलिए पूजा करते हैं कि भगवान से हमको चाहिए? तो भगवान जानते हैं कि इनको हमसे कुछ चाहिए और इनकी छोटी सी डिमांड है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट में घुटने का दर्द ठीक हो जाए, डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, थोड़ा मोटापा घट जाए, भूख नहीं लगती है भूख लगने लग जाए, बहू को बच्चा नहीं है बच्चा हो जाए, कार नहीं आई है एक अच्छी सी कार आ जाए, कोठी मिल जाए, तो माँ ने कहा तेरे पापा को डिस्टर्ब होगा, ले रिद्धि सिद्धि का तुझे मैं आशीर्वाद देती हूँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये पूरी कर सकते। इनको भी पार करके कहता है नहीं मुझे तो पापा ही चाहिए, तो वो फिर भगवान को प्राप्त करता है। तो बहुत प्रकार के देवता आकर बीच में, क्या चाहिए तुमको, भगवान की ओर जा रहे हो, हमसे मांगो ना, हम देते, सोने का पहाड़ निकल कर आ गया। हनुमान जी हमको मिलेंगे हम जरूर पूछेंगे सोने का पहाड़ आपने कैसे त्याग दिया, हम तो एक अंगूठी के लिए ही मरे जा रहे हैं कि सब उंगली खाली रहती है, एक अंगूठी मिल जाए हमको कितना मुश्किल, सोने का पहाड़ त्याग, इसी को कहा क्यों
क्योंकि हनुमान जी के जीवन के अंदर लक्ष्य स्पष्ट घोषित है, उनको 24 घंटे आंखों से दिखाई देता है कि मेरा जन्म राम काज के लिए ही हुआ है, मैं यहां आया हूं तो राम काज के लिए ही आया हूं। और जब जीवन में लक्ष्य स्पष्ट रहता है तो फिर मार्ग की झाड़ियां झंझट ये रोक नहीं पाते, फिर व्यक्ति पार जाता है। लक्ष्य स्पष्ट, लक्षण ओझल होने पाए कदम बढ़ाता चल। इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि देखो बेटा, कोई भी साधु जब घर छोड़कर आता है और साधु बनता है तो वो कोई आश्रम के लिए और वैभव के लिए और यश के लिए और जय जयकार के लिए नहीं साधु बनता, आता तो वो भगवत प्राप्ति के लिए ही है। उसको संसार नश्वर लगने लगता है, व्यर्थ लगने लगता है, तो सार्थक की खोज के लिए वो फिर किसी न किसी संत के सदगुरु के चरणों में आता है। लेकिन संगति जब बदल जाती है तो लक्ष्य उसका ओझल हो जाता है, फिर भगवान की तो माला भूल जाता है, फिर आश्रम कैसे बने इसकी माला जपने लगता है, फिर सबसे सुंदर कैसे बने इसकी माला जपने लगता है, फिर और वैभव कैसे आए इसकी माला जपने लगता है। इसी को हमारे महात्माओं ने कहा है कि आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। पहले दो चार मालाएं भगवान के नाम की जप लेता था, पांच माला हुई, सात माला हुई, ग्यारह माला हुई, इक्कीस माला हुई, रख दिया उसने। अब माला जपना बंद हो गया, माला की गिनती नहीं करता है, अब सीमेंट के कट्टों की गिनती करने लगता है, ईंट की ट्रॉलियों की गिनती करने लगता है, बेलदारों की संख्या की गिनती करने लगता है, इसमें फंस जाता है। और हर व्यक्ति है, लक्ष्य अगर स्पष्ट है कि हमको वहां जाना है तो रास्ते में कितने भी आकर्षण होंगे, झांक लोगे, देख लोगे, लेकिन पहुंचोगे वही। बस में बैठे कितनी भी अच्छी सवारियां मिल गई हमको, बहुत दोस्ती हो गई हमारी, लेकिन अगर हमको अपना बस अड्डा याद है, स्टेशन याद है कि हमको वहां उतरना है, तो आप उस आकर्षण में नहीं फंसेंगे। और लक्ष्य जब याद रहता है तो बहुत समय पहले थैला लेकर अटैची लेकर खड़े हो जाते, अच्छा सर बहुत अच्छा आनंद हुआ आपके साथ, बड़ी आपसे मिलना हो गया, फिर कभी मिलेंगे, हमको यहीं उतरना है, हमको यहीं तक जाना है। अगर ये लक्ष्य स्पष्ट है, हनुमान जी को लक्ष्य स्पष्ट। एक प्रश्न कल उठा था कि काम काज करें कि राम काज करें, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, राम काज ही काम काज है, काम काज ही राम काज है। और कल भी मैंने बोला था कि जितने भी भक्ति के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने भगवान को प्रकट किया है या जिनके लिए भगवान प्रकट हुए हैं, वे सभी गृहस्थी थे, सभी बाल बच्चेदार थे, सभी कारोबारी थे, सभी कारोबार, एक भी विरक्त ऐसा नहीं है जिसको भगवान आए हों, सब गृहस्थ। जो नाम आपको याद आते, नामदेव है, तुकाराम है, सेन नाई है, मीरा जी हैं, नरसी जी हैं, नानक जी हैं, चैतन्य है, जनाबाई है, कर्माबाई है, कर्मेती बाई है, कबीर दास है, रैदास है, ये सब साधु, सब गृहस्थाश्रम के, सब बाल बच्चेदार, भगवान इनके साथ बैठे बैठे बातें करते थे। तो घर का काम, परिवार का पालन, व्यापार चलाना, सर्विस करना, खेती बाड़ी करना और अलग से भगवान का भजन करना, भजन क्रिया के रूप में जब होगा तो उबाऊ होगा। और इसलिए आप अपना अनुभव करिए, मेरा तो अपना निजी अनुभव है, सब जगह आदमी का बैठने का मन करता है, पूजा घर से भागने का मन करता है, मन नहीं लगता है, ऊब लगते, चूंकि वो क्रिया है, वो क्रिया है। किसी को ही आपसे कह दे कि इस बालक को थोड़ी देर खिलाइए तो आप दो मिनट में ही थक जाएंगे। इसलिए मेरे घरों में मैं देखता हूँ, बड़े घरों में टिकने को होता है तो बच्चों को खिलाने के लिए, अब तो माँ को तो फुर्सत होती नहीं है बच्चे खिलाने के लिए, तो वो रख लेती हैं आया वगैरह जो भी उनको कहते हैं। अब उसका बच्चा तो वो है नहीं, एक वजन और लाद दिया आपने 500-1000 रुपये महीने के नाम पर, वो क्या करती है थोड़ी देर तो ऐसे ऐसे करते, फिर नोच देती है बच्चे को, फिर कुछ और कर देती है, तो बच्चा रोने लगता है, बीबी जी जरा कुंवर साहब रो रहे हैं, जरा इनको ले लीजिए, तो वो अपने बच्चे को तो खिला नहीं पा रही, तुम्हारे को कैसे ला देगी वो। तो ये उबाऊ होता है, अपना बच्चा प्यारा लगता है, तो जब भजन भगवान अपना हो जाता है तो वो प्यारा लगता है। अभी तो क्रिया है, क्रिया में आनंद नहीं आता,
जैसे आप यहाँ सर्विस वाले कोई लोग बैठे हैं, आपके घर से आपका ऑफिस मान लीजिए 1 किलोमीटर है, तो सवेरे 10 बजे नाश्ता करके आप चलेंगे तो आपके पैर भारी भारी लगेंगे, थकान जैसी लगती है। सायंकाल सर्विस से आके चाय पी के दोस्तों के साथ टहलने के लिए उसी सड़क पर 3 किलोमीटर चले जाएंगे, आपके पैर हल्के हल्के लगेंगे, आपको आनंद आएगा, क्योंकि वो आप भाव से जा रहे हैं सर्विस करने, आप क्रिया से जा रहे हैं, दबाव से जा रहे हैं। तो ऐसे ही भजन क्रिया नहीं है, भजन एक भाव दशा है। सांस का चलना और सांस लेना दोनों में अंतर है। सांस ली जा रही है इसका अर्थ है जुकाम है, जोर जबरदस्ती ली जा रही है। सांस चल रही है आपको मालूम ही नहीं है। भजन करना और भजन में होना, जैसे 24 घंटे हम घर में रहते हैं, घर में रहना और घर में होना ये जमीन आसमान का अंतर। घर में रहते हैं हम शरीर से, घर में होते हैं हम मन से। आप यहाँ सब बैठे हो, हर समय घर में ही हो, आपको यहीं से बैठे बैठे ध्यान आ रहा है। बच्चा बाहर निकल गया हो, दरवाज़ा खुला न रह गया हो, अलमारी खुली न रह गई हो, रसोई में कहीं बिल्ली न घुस गई हो, आप यहाँ बैठे बैठे हर समय घर में हैं। और जितना घर में रहते घर नहीं दिखाई देता है, उतना दूर से आपको घर दिखाई देता है। तो घर में रहना और घर में होना, ऐसे ही भजन करना और भजन में रहना, भजन में होना। दुश्मनी और प्रेम ये 24 घंटे का होता है, ये 24 घंटे का। कोई ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों को सुबह और शाम प्रेम करते हैं। प्रेम है तो 24 घंटे, दुश्मनी है तो 24 घंटे, ऐसे भजन है तो 24 घंटे। ये माला आदि जपना ये तो बैठने का बहाना है, भगवान के पास कैसे बैठे, चलो ये माला भी घुमाते रहते हैं, पाठ भी करते रहते हैं, हम इसके लिए नहीं बैठे। तुम अच्छे लगते हो इसलिए तुम्हारे पास बैठे, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता इसलिए तुम्हारे पास बैठे, तुम्हारे बिना मन बहुत तड़पता है इसलिए तुम्हारे पास बैठे। अब बैठने का कोई बहाना चाहिए तो हमने रामायण सुनाना तुमको शुरू कर दिया, कुछ बात करना तुमसे शुरू कर दी, इसके लिए हम नहीं बैठे थे। इसके लिए आप खाली भी बैठिए तो अभी बातचीत शुरू हो जाती है। और सत्य ये है कि खाली बैठकर ज़्यादा बातचीत शुरू होती है। जब आप अकेले में बैठे होते हो तो आप देखिए पूरा मन आपका बात करता रहता है। जब आप अकेले बैठे होते हो पूरा मन आपका बात करता रहता है, और जिससे बात कर रहा है मन उसके भी उत्तर आपको सुनाई पड़ने लगते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ वो ये कह रहा है, यही भजन है और कोई भजन नहीं। मीरा के जो भगवान थे वो भी पत्थर के थे, यहीं से गए थे, मकराना के ही संगमरमर की मूर्ति थी मीरा की, कोई कोई हार्ड मांस की नहीं थी, लेकिन मीरा बात करती थी उनसे। तो बात क्या करते, मूर्ति नहीं बोलती थी, मूर्ति नहीं बोलती थी। मीरा ने अपनी ओर से बोला और मेरी बात का भगवान क्या उत्तर देंगे वो भी मीरा ही बोलती थी। जैसे आपकी किससे लड़ाई हो जाए और बीच बिछा हो के आप घर चले जाएं तो आप अपने मन की गाली देते रहते हो और वो भी क्या बोलेगा उस वो भी आपके अंदर चलता रहता है, उसके उत्तर चलते रहते कि नहीं चलते। तो श्री हनुमान जी उसी परम दशा में 24 घंटे, मैंने कल भी बोला था इतने मन से घर परिवार के काम करिए, ये गोपाल जी का मंदिर है, रसोई बनाइए इतने डूब कर बनाइए कि गोपाल जी चाटते रह जाएं, किसी दूसरी गोपी के घर में जाए ही ना, वो हमेशा मेरा भोग प्राप्त करने आए। इतना बढ़िया बुहारी लगवाइए पूरे घर को चमचमाता हुआ कि गोपाल जी के चरण बड़े कोमल हैं, मैले न हो जाए, कोई तिनका न चुभ जाए, इतने मन से बुहारी लगाइए। चीखते तो रहेंगे, जरा कोने साफ कर लेना, जरा मकड़ी के जाले मिटा देना, जरा नीचे से भी बुहारी लगा देना, लेकिन कभी आप नहीं जाओगे बुहारी लेके, यहाँ गोपाल जी आएंगे, लाओ मैं भी उसके लिए बुहारी लगा दूँ। ब्रज की गोपियाँ यही करती हैं, जो कुछ करती है मुरार पादार पित चित्तवृत्ति, जो कुछ करती है कृष्ण के लिए करती है, श्रृंगार भी करती हैं तो कृष्ण के लिए करती है। फुवड़ दिखाई दूंगी लौट जाएंगे, उनको फुवड़ता पसंद नहीं, इतनी सुंदर बनूं, इतनी सुंदर बनूं, इतना जैसा भी है मेरे पास। गोपाल आए तो मेरे पास बैठकर मुस्कुरा के थोड़ी देर बाद हो गया भजन, और क्या भजन होता है। भजन क्रिया नहीं है, भाव दशा है, और जब एक भाव दशा होती है तो क्रिया होती रहती है, हमको पता भी नहीं लगता है। और यहां से सोने के पहाड़ को पार करके श्री हनुमान जी ने धन्यवाद दिया, हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम,
राम काज की भे बिनु मोही कहां बेशा। हर समय ध्यान रखे कि मैं राम काज के लिए हूँ, जो कुछ मेरा काम है राम काज ही है और कोई काम नहीं। दुकान पर हैं तो, फैक्ट्री में हैं तो, ऑफिस में हैं तो, खेत पर हैं तो, शादी में गए हैं तो, बाजार में घूम रहे, हर समय मैं राम काज के लिए ही निकला हूँ, फिर कोई अपराध होगा ही नहीं। मंदिर और हम, पूजा और हम जब अलग अलग हो जाते हैं तो फिर साधु भी गिर जाता है, साधक भी गिर जाता है। इसलिए हर समय एक ध्यान रहे कि मैं रामकाज कर रहा हूँ, मेरा पूरा जीवन रामकाज, फिर शरीर नहीं रहता, वो शरीर ही मंदिर हो जाता है। जिन संतों के हम चरण वंदन करते हैं, जिनके लिए हम माथा टेकते हैं, जिनकी समाधियों का दर्शन करने जाते, वो सब रामकाज हो चुके थे, इसके लिए हमको वो मंदिर ही दिखाई देते हैं। इसलिए वो मंदिर बने कि उन्होंने राम काज किया नहीं, वो राम काज ही हो गए। 24 घंटे उनकी सांस ही राम काज है, उनके जीवन का स्नान भोजन आदि सब कुछ राम काज है, अपने लिए कुछ भी नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ मेरे प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ मेरे प्रभु को आनंद मिल रहा है, मैं जो, जैसे छोटा बच्चा कुछ भी करता है दूर बैठे मुस्कुराते रहते हैं, आहा करते रहते हैं, ऐसे ही हमारी हर क्रिया से भगवान आहा आहा करे, वाह वाह करे, तो हमारे जीवन की हर क्रिया भजन हो जाएगी, फिर अलग से ये समस्या समाप्त हो जाएगी। भजन तो करना चाहते, टाइम ही नहीं मिलता है। वो व्यक्ति बहुत बहुत अपने को धोखा दे रहा है जो कहता है टाइम ही नहीं मिलता है, वो 2 घंटे अखबार पढ़ता रहता है। जो कहता है टाइम ही नहीं मिलता, एक अखबार से पेट नहीं भरता, कई कई चाटता है, उलट पुलट के देखता है, सवेरे पढ़ गया फिर दोपहर को कौन सी नई चीज़ निकली आई, फिर आएगा फिर खोल के बैठ जाएगा, चलो दोपहर को पढ़ गया फिर रात को लौटेगा फिर उसी को बैठे खोलता रहेगा, तो क्या कर रहे हो उसको, बार बार थूक रहे हो, बार बार चाट रहे हो, उसी को कर रहे हो। जो कहता है समय नहीं मिलता, वो घंटों टीवी देख रहा है, एक चैनल से पेट नहीं भरता, 10 चैनल बदलता रहता है, वो घंटों पार्क में गप्पे हाँकता रहता है, कहता टाइम नहीं मिलता है, वो धोखा दे रहा है अपने को, भगवान को धोखा नहीं दे रहा, वो अपने जीवन को धोखा दे रहा है। हनुमान जी इसके आदर्श हैं, उनकी हर श्वास राम के लिए है, हर कदम राम के लिए, हर दृष्टि राम के लिए, हर क्रिया राम के लिए, उनको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। वो कभी बैठकर भजन नहीं करते, हनुमान जी कभी बैठकर भजन नहीं करते, उनकी हर क्रिया भगवान का भजन है। और यहां से जब चले तो जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा वचन के है पवन है।
सुरसा को भेजा। क्यों? दो बातें हो, एक तो हनुमान जी बड़ी गर्जना करके जा रहे थे, पता लगा कि सोने के पहाड़ को लांग कर गया है, देवताओं को लगा कि अभी तो त्याग का नाटक कर दिया, कहीं लंका तो पूरी सोने की वहां फंस जाए, कौन है ये? बोले हनुमान जी जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? बोले राम काज को जा रहे हैं। तो देवताओं को अपनी कमजोरी याद आ गई। आप सबको मालूम है कि रावण के सारे देवता नौकरी करते थे, बेलदारी करते थे, कोई बुहारी लगाता था, कोई पानी छिड़कता था, कोई पानी भर के लाता था, सारे के सारे देवता उसके बंदी थे। दिग्पालन में नीर भरा हुआ, रावण कहता मेरा दिग्पाल पानी भरते, सूर्य और चंद्रमा बुहारी लगाया करते, क्योंकि रावण देवताओं की एक कमजोरी को पकड़ चुका था। देव योनि भोग योनि है, और भोगी की कमजोरी होती है कंचन और कामिनी, स्त्री और वैभव, सुख, पैसा, रुपया, जो कुछ भी है। जो भी देवता लंका में गया, रावण एक सुंदर सा सोने का फ्लैट उसे अलॉट कर देता था, और एक सुंदर सी नाग कन्या, सारी नाग कन्याओं को रावण लंका में ले आया था। नाग जाति सबसे ज्यादा सुंदर मानी जाती है, तो नाग कन्या एक पकड़ा दी और एक सोने का फ्लैट दे दिया, बोले बेटा बुहारी लगाओ। देवताओं को लगा कि कहीं हनुमान न फंस जाए वहां, और इधर भगवान इंतजार करते रह जाएं, और जिस कार्य के लिए आया है रुक जाए, जरा परीक्षा तो लो इसकी। इस समय तो थोड़ा त्याग का नाटक कर दिया, कई बार शुरू शुरू में हम लोग भी यही कर देते, फिर बाद में बटोरना शुरू कर देते, हमने भी यही किया है। प्रारंभ में तो कहते कुछ नहीं लेते कुछ नहीं लेते, लेकिन पीछे से फिर लेना शुरू कर देते हैं। तो आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, तो सुरसा आ गई, सुरसा मुंह फाड़ कर खड़ी हो गई, रास्ता रोक लिया। ओहो, आज देवताओं ने भरपेट भोजन की व्यवस्था की, आज स्वर्णमय दीन आहारा, मैं तुझे खाऊंगी, बहुत दिनों से भूखी थी। हनुमान जी ने कहा कि अगर मेरे शरीर से तुम्हारी भूख शांत होती हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं भगवत कार्य को जा रहा हूं, राम काज कर फिर मैं आवाऊ, सीता कई सुध प्रभु ही सुनावाऊ, तब तब बदन पैठिया मैं आकर तुम्हारी मुंह में खुद ही आ जाऊंगा, मैं मुझे प्रभु का कार्य करने दो। सुरसा ने कहा कि तेरा भरोसा क्या है, तू मानो नहीं आया था, जो लंका में गया वो आया ही नहीं, तेरा भी क्या भरोसा है, फिर मैं क्या करूं? बोले मैं तो खाऊंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। बहुत खुशामद दरामद की, नहीं मानी हनुमान जी का, नहीं मानते तो खा ले फिर, ग्रसन मोए खा ले, तेरी मर्जी। और सुरसा ने एक योजन का मुंह फाड़ा, हनुमान जी को भगवान का आशीर्वाद है, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, लक्ष्मण जी शेषनाग है, काल है, सांप है, और ये सांपों की माँ है, सुरसा नाम अहिन कई माता, तो इसलिए इनको दूल्हे होने का, काल से भक्त हमेशा दूना रहता है, कभी भक्तों को काल नहीं मारता। बंधु और बहनों, जो भक्त हुए हैं उनको कभी काल नहीं मारता। एक तो काल होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, भक्तों को कभी काल नहीं मारता, भक्त हमेशा वर्तमान में रहते। मीरा कब पैदा हुई थी? आज भी वर्तमान में है। तुलसीदास जी कब पैदा हुए थे? आज भी वर्तमान में, ना इनका भूत है ना इनका भविष्य है, ये सदैव वर्तमान में रहते हैं, और इनको काल नहीं मारता। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको काल मार नहीं सकता। हम अपने दादाजी के दादाजी का नाम नहीं जानते, और नानक जी के फोटो घर में लगाए रहते हैं, संतों के फोटो घर में लगाए रहते, क्योंकि उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, वो केवल अंतर ध्यान हुआ करते। तो कहा कि मैं तो तुझे खाऊंगी, बोले खा ले। सुरसा ने एक योजन मुंह फाड़ा, हनुमान जी दो योजन हो गए। सुरसा ने दो योजन फाड़ा, हनुमान जी चार योजन। सुरसा ने चार योजन, हनुमान जी आठ योजन। सुरसा ने आठ योजन, हनुमान जी सोलह योजन। सुरसा ने सोलह योजन, तुरंत पवन सुत 32 भयो। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि जस जस सूर सा बदन बढ़ावा, जस जस सूर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, शत योजन तेही आनन की।
जस जस सुर सांपद बढ़ा। सुरसा बढ़ती जा रही है, हनुमान जी दूने होते जा रहे। एक स्थिति आ गई, सुरसा ने 100 योजन का मुंह फाड़ा। हनुमान जी ने विवेक से काम लिया। हनुमान जी ने सोचा कि मैं कोई प्रतिस्पर्धा के लिए तो निकला नहीं, अपने को चमकाने के लिए भी नहीं निकला हूं, मैं कोई शारीरिक प्रदर्शन की प्रतियोगिता में भी भाग लेने नहीं आया, मैं तो आया हूं भगवान के काम को, और ये तो रोके दे रही है। अगर इसी प्रतिस्पर्धा में मैं खड़ा हो गया, ये संघर्ष तो कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए समर्पण कर दिया जाए। दो रास्ते, या तो संघर्ष करो बड़ा बनने के लिए, तो संघर्ष करने में एक को पछाड़ोगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को पछाड़ोगे तीसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरे को बढ़ाओगे चौथा खड़ा हो जाएगा, जब तक पांचवे की ओर बढ़ोगे तब तक तीनों एक होकर फिर सामने आ जाएंगे आपके। ये संघर्ष का मार्ग है। जिसको अपने को बड़ा करके दिखाने की कोशिश करनी है, वो संघर्ष का रास्ता चुनता है, वो झगड़ेगा लड़ेगा, फिर 100 प्रकार के आयोजन करेगा। समर्पण कर दो ना, हमको कोई ना देखे बात खत्म हो गई। तुम बड़े बन जाओ, तुम बड़े हो, हम भी सिर झुका देंगे, हम भी हाथ हिला देंगे, हम भी जय जयकार कर दे, बन लो बड़े। अरे बड़े भी उसी मरघट में जाएंगे, छोटे भी उसी मरघट में जाएंगे, जाने तो वही है। राजा भी उसी बांस की लकड़ी पर जाता है, रंक भी उसी बांस की लकड़ी पर जाता है। कोई ये तो है नहीं कि राजा के लिए कोई सोने के बांस लगाए जाते हैं, ऐसा तो कुछ बोले बड़े जो। लेकिन ये बात संसार के लोगों को समझ नहीं आती, ये केवल भजन करने वालों को आती, क्या करना आपने को, और इसका कोई अंत नहीं होता है। हम कई बार देखते हैं, आजकल घरों में बहुत हो गया है, उसने अपने बेटे का जन्मदिन उस होटल में मनाया तो मैं अपनी बेटी का उस होटल में मनाऊंगी, फिर चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे आफत करनी पड़े, चाहे कार बेचनी पड़े। हमारे ब्रज में एक गीत चलता है, हमारे मोहन जी बैठे शायद इनको याद होगा, मुझे वो पूरा याद नहीं, तुमको याद है क्या? चाहे बिक जाए हरो रुमाल रुमाल, बैठूंगी मोटर कार में, चाहे बिक जाए हरो जरा। गाने लायक है नहीं आगे का जो है वो गाने, हमारे मतलब का इतना ही, अपने मतलब की भाई कितने प्रकार की सब्जी रखी है आप अपने रुचि की उठा लीजिए, उसमें कोई जरूरी है कि सारे उसकी दुकानें उठा कर ले आना, इतने से काम चला लो। ये संघर्ष का मार्ग है। अगर दूसरे को दिखाने की कोशिश होगी, दूसरे से बड़ा करने की अपने को कोशिश होगी, अशांति हो। अगर उसने कुछ भी आपसे बड़ा कर दिया, फिर आपको उसे दूना करने की, और ये दूना होते का जो रोग है ये मरते तक नहीं। इसलिए हनुमान जी लघु नहीं अति लघु हो गए। भजनानंद तृणादपि सुनिचे न तरोदपि सहिष्णुना, अमानी न मान देन कीर्तनिया सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भजन करने वाले को घास के तिनके की तरह रहना चाहिए। किसी ने जूता रख दिया, घास दब गई, जूता उठा के चला गया तो घास खड़ी हो गई, फिर कोई आया फिर दब गई फिर उठा दिया, अपने को क्या लेना देना। हाँ, संसार प्राप्त करना है तो संसार संघर्ष से मिलता है, परमात्मा समर्पण से मिलता है। दो ही मार्ग है, संघर्ष के और समर्पण के, अपना अपना चुन लीजिए। संसार चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, घर बैठे संसार नहीं मिलता। पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, जय जयकार है, मंच है, इसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, जेब खाली करनी पड़ेगी, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, शरीर से दौड़ना पड़ेगा। ये संघर्ष का मार्ग है। दूसरे को पीछे धक्का दे के आगे बढ़िए तभी फोटो खींचेगा, नहीं तो मारे जाओगे, पीछे रह जाओगे, कोई देखेगा नहीं। लेकिन परमात्मा चाहिए तो सबसे पीछे हो जाइए, परमात्मा चाहिए फिर सबसे पीछे होना, बिल्कुल शून्य हो गए, अति लघु, शून्य दिखाई नहीं दे रहा। और कभी भी भजन करने वाले को संघर्ष में बढ़ना नहीं, हाथ जोड़कर दाएं बाएं सिर झुकाकर जैसा भी चलो, हो गए चलो। हमारे गोस्वामी जी आए एक बार यहाँ वृंदावन, तो नाभा जी उस समय वृंदावन निवास करते, जिन्होंने भक्तमाल लिखा है, भंडारा हो रहा था, तो वो चिट्ठी होती है भंडारे में, साधुओं को चिट्ठी बांटी जाती है, चिट्ठी से ही प्रवेश था, चूंकि दिल्ली के कोई सेठ आए थे, अच्छी दक्षिणा बट रही थी उस समय, दक्षिणा अच्छी माने चार आने की दक्षिणा में हमने भी प्रसाद पाया है,
चवन्नी तो हमारे समय तक चली, हमने चारण दक्षिणा में भोजन किया है तो। और एक रुपया एक जगह बट रहा था, एक मैया थी उस 85-80 साल की थी, तो राह चवेनी बांट रही थी, वो राह चवेनी में वो लड्डू बांटते एक बड़ा सा, और एक रुपया, तो हमको पता लगा कि एक रुपया मिल रहा है वहाँ। तो जून का महीना था, हम शास्त्री जी वगैरह सब लोग गए और बहुत देर तक लाइन में लगे रहे, तब एक लड्डू और एक चवेना। तो उस समय तो गोस्वामी जी भी आए हुए, तो उनका भाई प्रसाद कहाँ है, भंडारा हो रहा है संतों का, चलो बैठ जाते हैं। उस जो कोतवाल था गेट पर जो खड़ा था उसने घुसने नहीं दिया, अरे बाबा चिट्ठी का, चिट्ठी तो है नहीं भैया प्रसाद, भाई इधर खड़ा। तो जहां संत लोग अपनी चप्पल खड़ा उतार गए थे, गोस्वामी जी वही बैठ गए, बोले भैया कोई बात नहीं, जब सबको करा दो तो हमको बाद में हमको भी दे देना। किसी ने पहचान लिया गोस्वामी जी, अरे तो गोस्वामी जी महाराज। नाभाजी के पास गए, दौड़ कर नाभाजी आए, साष्टांग दंडवत किया, हृदय से लगाया, गले लहरे मोरे, बोले कोई बात नहीं, को चलो अंदर चलते। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुमने कैसे लोग लगा रखे, अंदर जाने नहीं दिया। ये है साधुता, पैर रख दिया दब गए, पैर उठा लिया हृदय से लग गए, क्या जाता। भजन करने वाले को मैं देख लूंगा, इसने ऐसा कैसे कह दिया। जिसको पुरानी बातें याद रहती है उससे भजन हो ही नहीं सकता, वेश कोई भी हो सकता है उसका, समझ। जिसको पुरानी बात याद रहती है वो कम से कम भजन तो नहीं कर सकता, भजन का नाटक कर सकता है लेकिन वो भजन नहीं कर सकता। हनुमान जी कोई बात छोटे हो गए अतल गुरु और मुंह में से घूम के चले। और जो छोटा बन सकता है, जो झुक सकता है, वही भगवत कार्य कर सकता है, वही बड़े कार्य कर सकता है, वही बड़ा हो सकता है। जब जरूरत पड़ती है तो सुनते ही भयु पर्वताकारा, और जरूरत पड़ती है भगवत कार्य के लिए तो मशक समान रूप कपित। इसलिए हनुमान जी ने कभी अपने को अपमानित महसूस नहीं किया। मारें चरण करें बहु हांसी, रस्सों से बांधकर हनुमान जी को घसीट कर ले जाया गया था रावण के दरबार में। बानरों ने पूछा क्या आपको शर्म नहीं लगी, बोले नहीं तो मुझे कहां बांधा था। मोई न कछु बांधे कई राजा, मोई न कछु बांधे कई राजा, मोई न कछु बांधे कई राजा, शर्म। मैं तो भगवत कार्य को गया था। देखिए आपका नौकर किसी के यहां गया और उसको उस जहां गया उसने दो थप्पड़ मार के भगा दिया, तो नौकर को थप्पड़ नहीं मारे, जिसने नौकर भेजा है उसको थप्पड़ लगा है। दिखाई तो दे रहा है कि नौकर को थप्पड़ मारा है लेकिन थप्पड़ उसको लगा है जिसका वो नौकर है। सत्य तो यह हनुमान जी का, जब मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो भगवत कार्य को निकला हूं, बंध के हो तो मैं थोड़े बधाऊं, बधाए तो वो बंधाए, और वो इतना ताकतवर है कि उसको कोई बांध नहीं सकता, और बांध दिया तो सब तोड़ देता है वो। मैं तो उनका नौकर हूँ, मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं तो उनका आज्ञा पालन कर रहा हूँ, मेरे का इज्जत आवरू। मुझे छोटे होने में भी शर्म नहीं, बड़े बनने में भी शर्म नहीं, रोने में भी शर्म नहीं, चिंगाड़ने में भी शर्म नहीं, विराट रूप लेने में भी संकोच नहीं, और मच्छर बनने में मुझे तो येन केन प्रकारेण भगवत कार्य कर, तेरी जो मर्जी, तेरी जो। देखिए जब अहंकार होता है तो हर चीज चोट देती है, हर चीज चोट देती है, और अहंकार वहाँ रहता है जहाँ कोई आपको जानता है कि हम ये हैं, वहाँ आपका अहंकार होगा। चाहे पैसा है, चाहे पद है, चाहे जहाँ आपको कोई जानता नहीं है वहाँ आपका अहंकार भी बिल्कुल नहीं, शून्य हो जाता है। आप जहाँ अपने शहर के लोग हैं, जिस शहर से जो आए हैं, अपने शहर के मंदिर में जाइए,
अगर आपको कोई रोक दे, टोक दे, कुछ कर दे, तो आपका पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। लेकिन आप तिरुपति बालाजी में जाइए, जहाँ आपको कोई जानता नहीं है, वहाँ धक्का मार के पीछे कर दे, इधर कर दे, उधर कर दे, आपको कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ अहंकार नहीं है आपका, वहाँ मैं नहीं है आपकी। जहाँ मैं होगी हर चीज़ चोट देती है, हर चीज़ चोट देती है। हनुमान जी में मैं है ही नहीं, हनुमान ही है, उन्होंने मान का पहले ही हनन कर दिया है, बोले मुझे कोई शर्म। और जब बहुत छोटे हो गए, इसके पेट में से घूम आए, तो कहा भैया अब मैं तुम्हारे पेट में घूम आए, बोले मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही, जाओ। राम काज सब करिया हूं और तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरषी चलेउ हनुमान। आशीर्वाद दे, जो विरोध, जो सटकने बैठी थी, वो आशीर्वाद की वर्षा करने लगी। पहली बात महत्वाकांक्षा की बात है, हमको लोग जाने। देखिए भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन भगत जी करके प्रचारित कराना ये पाखंड है। भगत जी माने आओ भगत जी, ये एक प्रकार का उपहास है। इसका अर्थ है भक्ति के चिन्ह ऊपर से धारण कर लिए हैं, भीतर भक्ति भक्ति नहीं है। तो भक्त बने, भक्त कहते हैं जो एक क्षण भी भगवान से विभक्त नहीं है। संस्कृत में चावल को भक्त कहते हैं, भक्तम, संस्कृत में चावल को भक्त कहते हैं। बहन लोग जानती हैं चावल कब पकता है, जब उसको लेके वो ऐसे उंगली पर रगड़ती हैं, अगर वो पूरा मसल जाता है तो समझो चावल पक गया, और जरा सी कनी रहती है तो कनी वाला चावल बहुत नुकसान देता है। अगर कनी का चावल खाएंगे, पेट में चली गई कनी, तो पेट में दर्द करती है, वो पचता नहीं है। तो भक्त वही है, जहाँ से मसलो वहीं से रगड़ जाता है, वो पिलपिला है, उसको कोई कनी है ही नहीं, उसमें किसी प्रकार की कनी कंकड़ी है ही नहीं, अन्यथा वो दर्द ही करती रहेगी। इसने ऐसा कैसे कह दिया, इसने ऐसा कैसे कह दिया, इसने ऐसा कैसे कह दिया। तो हनुमान जी भक्त है, एक क्षण भी भगवान से विभक्त नहीं, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं, किसी प्रकार के प्रदर्शन की कोई आकांक्षा नहीं। मैं इतने बड़े कार्य को जा रहा हूँ, वानरों में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, इस काम को कोई नहीं कर पा रहा था, सब लोग मुझे जाने पहचाने, सब मेरे आदर, नहीं ये कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं प्रभु ने कैसे कृपा करके मेरे जैसे साधारण कामी बंदर को, कपि चंचल सब ही विधिहीना, और मुझे अपने कार्य का वाहक बनाया है। प्रभु ने बड़ी मेरे ऊपर कृपा की है, जो कुछ है मैं तो भगवान के लिए हूँ, ये अगर भाव है तो फिर कोई दिक्कत आती नहीं, नहीं तो कदम कदम पर। हमको आती है ना, हमको आती है। हम कार्यक्रम में किसी में बुलाए जाते हैं, पहले देखते हैं कि मंच की ओर का रास्ता किधर से है, और अगर जाते हैं प्रवेश करते हो, चार लोग हाथ जोड़ते नहीं है तो ऐसा लगता है कहाँ आ गए हम, कहते हैं भूषण जी लौटो यार वापस चलो, तो बहुत मुश्किल होता है। प्रवचन जितनी आसानी से दिया जा रहा है, वो आचरण करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। अब इस पर ज्यादा बोलेंगे नहीं, चूंकि अपनी ही पोल खुलती है, बहुत कठिन है। हो जाए इसकी इच्छा हो, इसको इसलिए याद करते हैं आपके माध्यम से कि कभी ना कभी अंदर की भी आंखें खुलेंगी, कभी कभी अभी तो बाहर बहुत देख रहे हैं हम, कभी ना कभी अपने को भी देखने का अवसर मिल जाएगा। ये याद बनी रहेगी कि ये लक्षण होते हैं, तो कभी ना कभी हो सकता है इस जन्म में, अगले जन्म में हो जाएगा, लेकिन लक्षण उसके यही। यहाँ से चले ईर्ष्या आ गए, एक सिहिका नाम की राक्षसी सागर में रहती थी, रहती सागर में, खाती आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को है, और ये ईर्ष्या है। सागर कितना गहरा है, गंभीर है, विराट है, विशाल है, और बड़े बड़े विराट गंभीर व्यक्तित्व वालों के भी पेट में ईर्ष्या छुप के रहती है, और ईर्ष्या अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी को नहीं खाती, अपने से जो ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता उसको गिराती है, उसको खाती है। ईर्ष्या जलन है, इस पर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, दिल्ली की कथाओं में मैं बहुत विस्तार से इस पर बोल चुका हूं। सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, बंधुओं और बहनों, सब अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं,
सब अपना अपना कर्म लेकर आए हैं, सब अपना अपना पुरुषार्थ करके सब कुछ खड़ा कर रहे हैं। किसी दूसरे को देखकर जलोगे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका खून खामखा जलेगा, खामखा जलेगा। सब अपना प्रारब्ध लेकर आए। आप अपने छोटे मकान को बड़े बनाने की कोशिश करिए, दूसरे के बड़े मकान पर बुलडोजर कैसे चले इसका चिंतन मत करिए। आप अपनी छोटी गाड़ी बड़ी कैसे आए इसकी कोशिश करिए, बड़ी गाड़ी वाले की चोरी कैसे हो, उसकी गाड़ी या उसकी गाड़ी कैसे टूटे इसका चिंतन मत करो। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना खून जलेगा, न भजन होगा न पाठ होगा न मन को शांति मिलेगी। और 24 घंटे हम केवल निंदा और आलोचना ही करेंगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति आलोचना निंदा बहुत करता है और कहता है कि हम कोई बुराई थोड़ा ही कर रहे हैं, हमारा कोई इनसे क्या बिगाड़ा है उन्होंने, हमारा क्या लेना देना है विचारों से। लेकिन हम तो बात कह रहे, बात नहीं कह रहे, भीतर भट्टी भभक रही है कि वो इतना बड़ा कैसे हो गया। बात नहीं कह रहे, भीतर भट्टी भभक रही है कि इतना बड़ा कैसे हो गया। कल तक हमारे सामने ऐसे फटीचर घूमता था, हमने देखा है इसको ऐसे करते, हमने देखा है इसको भूखा रहते, हमने इसको जन कितनी बार सहाय थे कि अब देखो कितना बड़ा आदमी हो गया, अब देखता भी नहीं है, नमस्ते भी नहीं करता है। बात तो इच्छा क्या है, इसका सत्यानाश हो कैसे, फिर वो वही का वही है। नहीं भाई, कोई नहीं आएगा, सब अपनी अपनी उड़ान पर निकले। आप उड़िए, आपको किसने रोका है, अनंत आकाश है, आप उड़ो ना, कौन मना करता है। और जब तक ईर्ष्या है तब तक ईश्वर नहीं मिलता, ईर्ष्या का ईश्वर का संबंध नहीं है। बहुत जोर पड़ता है, लेकिन अगर आप इस प्रयोग को करके देख लें, जिससे भी आपको ईर्ष्या होती है उसके किसी अच्छे गुण की चर्चा करना शुरू कर दीजिए। आदमी वैसे तो खराब है, बनावटी बहुत है, ऐसा है, लेकिन ईमानदार बहुत है। कुछ उसके एक आधा अच्छे गुण को बोलकर चर्चा करिए, आपके भीतर का रसायन बदल जाएगा आपके भीतर। और हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा गुण होता है। देखो, हमारा उससे बोलचाल तो नहीं है, थोड़ी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया था और उसने ये अपराध भी हमारे साथ किया था, लेकिन जो भी है वो उसका अपना कर्म है। लेकिन यार आदमी बड़ा अच्छा है, उसका कोई ना कोई गुण की चर्चा करिए, मन में नहीं होठ से बोल कर करिए। होठ से किसी की प्रशंसा करने में बहुत जोर पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है, बहुत जोर। अरे हमसे कोई कहता है महाराज जी वो कथावाचक उनकी कथा बड़ी सुंदर होती है, तो हम ऊपर ऊपर तो हाँ हाँ बहुत अच्छी, लेकिन भीतर हमारी नानी मर जाती है, नानी मर जाती है। ये सबसे सरल औषधि है, सबसे हृदय को शुद्ध करने की सबसे सरल औषधि है। आप होठ से बोलकर अपने विरोधी दुश्मन की किसी न किसी गुण की प्रशंसा करिए, किसी न किसी गुण की। अरे इतना ही कह दो यार आदमी तो बड़ा खराब है, कपड़े बहुत अच्छे पहनता है वो, यही कर दो, यही कह दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या जाता है, कोई ये बाजार से तो खरीदना नहीं। हनुमान जी ने इसको मार दिया, ईर्ष्या को मारना तो कठिन है लेकिन ईर्ष्या से थोड़ा बचा जा सकता है। हनुमान जी मार सकते, हम लोग ईर्ष्या को मार नहीं सकते। ये मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, ईर्ष्या हमारे द्वारा मारी नहीं जा सकती, लेकिन हम ईर्ष्या से थोड़े बच सकते हैं। कांटा पड़ा है, ये ताकत हमारी नहीं है कि कांटे की झाड़ी को उखाड़ कर उधर फेंक दें, हम बच के रास्ते से निकल सकते हैं, बस इतना करिए। हनुमान जी मार सकते हैं, हम नहीं मार पाएंगे, कांटे में उलझेंगे भी नहीं, उखाड़ने की भी कोशिश नहीं करेंगे, उसको हाथ में कांटे चुभ जाएंगे, उखाड़ नहीं पाएंगे। बच जाओ, जिसकी ताकत होगी वो उखाड़ देगा, हम रास्ता बच जाए, बस इतना ही पर्याप्त। और जैसे ईर्ष्या मरी ताही मारी मारुत सुत धीरा, पार गय उमती
भवसागर का किनारा आ गया। प्रातः काल का समय सूर्योदय हो रहा था, एक पहाड़ी पर चढ़ गए। हम गए हैं लंका, राम निवास जी हमको ले गए थे, लंका में कथा थी अशोक वाटिका में। त्रिकूट पर लंका, तीन पर्वत की चोटियां, एक पर अशोक वाटिका है, एक पर लंका, एक खाली, उस पर श्री हनुमान जी चढ़ गए। प्रातः काल का समय, कनक कोट कर परम प्रकाशा, पूरी लंका सोने की, हर घर सोने का, और सवेरे के सूर्य की किरण और चमचमा रहा था, पूरा का पूरा सुवर्ण मंडल, पूरा का पूरा लंका का राजभवन चमचमा रहा था। और कितना वैभव होगा रावण के पास, कल्पना करिए। लोगों के तो घर में सोना होता है, इसके घर ही सोने के थे। पूरा वैभव संपन्न होने के बाद भी रावण अधूरा रहा। एक बार बिलो कि मम ओरा, सीता जी से रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, हे भक्ति देवी, एक बार मेरी ओर दृष्टि तो उठाओ, एक बार मुझे दृष्टि तो दो, एक बार कृपा दृष्टि तो करो, एक बार मुझे देखो तो सही। लेकिन रावण गलत रास्ता अपनाता है। भक्ति अपहरण से नहीं मिलती, भक्ति समर्पण से मिलती। ये सीता जी को अपहृत करके लाया। सीता जी ने देखा नहीं रावण को, तिनका सामने कर लिया। तृणधर उठ, इतना वैभव होने के बाद भी बिना भक्ति के रावण अधूरा है। देवता सर्विस करते इसका, रावण अधूरा है, रावण अशांत है, कुछ कमी है। क्यों, क्या कमी है? भक्ति नहीं है जीवन में, तो भक्ति को तभी लाता हूं। ले आया, कैद कर ली, घर में रख ली, फिर भी रोता रहा, क्योंकि भक्ति शरीर नहीं है, भक्ति एक भाव दशा है, भक्ति करुणा है, भक्ति समर्पण है, भक्ति दैन्यता है, भक्ति प्रेम है, भक्ति सदाचरण है, भक्ति नमन है। तू तो अकड़ में खड़ा है, एक बार मेरी ओर देखो। क्या सुंदर लंका गोस्वामी जी ने लिखा है, वन बाग उपवन वाटिका सर उपवापी सोहनी, वन बाग उपवन वाटिका सर उपवापी सो चर भक्षही कहूँ महिष मानुष देनु खर अज खल निशाचर भक्षही वन बाग उपवन वाटिका सर। क्या सुंदर बाग बगीचे, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मुनियों के मन को मोहित करने वाली ऐसी सुंदरियां चारों ओर विचरण कर रही है। कहूँ महिष मानुष धैन खरज खल निशाचर भक्षही, अनेक प्रकार के मांस भक्षण हो रहे हैं, मल्ल युद्ध के अभ्यास हो रहे हैं, पुर रखवारे चारों ओर का दृश्य हनुमान जी। ये राक्षस कोई जाति नहीं है,
राक्षस कोई व्यक्ति नहीं है, राक्षस एक वृत्ति है। हनुमान ने चार लक्षण बताए हैं राक्षस के, शरीर किसी का भी हो सकता है, ये चार लक्षण जिसमें है वो राक्षस है। रक्ष ही, जो अपनी ही रक्षा की चिंता करता है, मैं कैसे सुखी रहूं, मैं कैसे सुखी रहूं, मैं कैसे सुखी, जो अपनी ही चिंता में डूबा है वो राक्षस है। गर्ज ही, जो हर हमेशा चिल्लाता ही रहता है, बकवासी करता रहता है, न बोलने वाली बातें भी बोलता रहता है, शोर करते रहता है, जिधर देखो उधर ही अशांति कर देता है, वो गर्ज ही। तर्ज ही, खाम खां कारण भिड़ता है, चार लोग बैठे जाके टूट पड़ा, आपने देखा होगा मेले दशहरे में निकले कोनी मार गए इधर से ठोकर मार, तो शरीर से ये मनुष्य, वृत्ति से राक्षस है। और भक्ष ही, भक्षा भक्ष जे खाए, शुभ भी अशुभ भी, पेट ही नहीं भरता है, इधर से लाओ उधर से लाओ, इनका भी उनका भी, ऐसा भी वैसा भी, अपना भी पराया भी, भैया का भी भतीज, सबका अपने पेट में आए, भक्ष ये वृत्ति है, ये राक्षस है, शरीर कोई भी हो सकता है। हनुमान जी ने दिन का दृश्य देखा, पुर रखवारे देख, और ऐसी जगह पर रक्षक रखे जाते हैं, आपको अयोध्या में रक्षक नहीं मिलेंगे, आपको जनकपुर में जहां अनीति की संपत्ति होगी वहां रक्षक रखे जाएंगे, अनीति जहां होगी वहां रक्षा करनी पड़ेगी, नीति की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, रक्षा अनीति की जाती है। हनुमान जी ने सोचा कि अब मैं रात को देखूं जरा लंका को भीतर से, किसी ने धीरे से पूछा कि दिन के उजाले में बाहर से देख रहे हैं और भीतर से अब रात के अंधेरे में देखना चाहते हैं, ये कहां का न्याय है? अरे भाई, दिन के उजाले में बाहर देखो, भीतर देखो, और रात के अंधेरे में तो बाहर आदमी देखता है, भीतर तो कुछ दिखाई नहीं देता अंधेरे में। बोले हाँ, मेरा जरा उल्टा दर्शन है क्या? हनुमान जी ने कहा कि मनुष्य का असली स्वभाव अगर देखना हो तो दिन के उजाले में मत देखो, दिन में तो सब सुंदर दिखाई देते, असलियत रात के अंधेरे, रात के अंधेरे माने ये रात वाला अंधेरा नहीं, रात का अंधेरा माने एकांत। मनुष्य कैसा है इसको अगर परखना हो, देखना हो, तो दो दो चार दिन उसके साथ यात्रा पर जाइए, पता लग जाता कि आदमी है कैसा। थोड़ी देर मिलते हैं, हाय हेलो हुआ, मुस्कुराहट हुई, अच्छी अच्छी बातें भी, चले गए, लेकिन चार छह दिन जब एक साथ रहते हैं तब असलियत पता लगती है कि आदमी है कैसा। हम लोग जेल में थे, आपातकाल में जेल में थे, तो हमारे जो जेल थी उसमें देश के लगभग लगभग आज जो सत्ता में बैठे हैं वो सब लोग उसी जेल में थे। इनके हमने मंच पर बाहर भी भाषण सुने, क्या सुंदर भाषण, तालियां बजती थी, हजारों हजार लोग। और जेल में जब साल दो साल हम लोग साथ साथ रहे तो मुझे लगता है कि एक एक डबल रोटी के पीस पर कुत्ते भी इतना नहीं लड़ते जितने नेता लड़ते थे। कुत्ते भी नहीं लड़े, वो भी अलग बैठ जाता है, बचेगी तो खा ले। कई कुत्ते हमने देखे हैं, आप रोटी डालिए वो लेटा रहता है, बैठा रहता है, वो जब उसको इच्छा होती तब खा लेता है। तो आप एकांत का अर्थ अंधेरा नहीं है, एकांत का अर्थ है दो चार दिन अकेले में उसके साथ रहिए, तब पता लगेगा वृत्ति कैसी है, ये चर्चा कैसी करता है, इसको अच्छी चीजें क्या लगती है, वो सब आपको पता लग जाएगा। और अगर हनुमान जी दिन के उजाले में चले गए होते तो रावण से मित्रता हो गई होती, क्योंकि रावण प्रातःकाल उठते यज्ञ करता था। ब्रह्मा जी आकर रावण के आंगन में बैठकर चारों वेदों का पाठ करते थे, शंकर जी कैलाश से आकर इसके आंगन में बैठकर अपना रुद्राभिषेक कराते थे, वेद पढ़े विद संभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। दिन का रावण अलग प्रकार का था, रात का रावण अलग प्रकार का था, मंच का रावण अलग प्रकार का था, और कमरे का रावण अलग प्रकार का था। जब हनुमान जी ने मंच पर रावण को देखा था और प्रकार का था, और जब सोते समय की देखा था रावण को तो आंख बंद हो गई, हनुमान जी बाहर निकले आए थे, शयन किए देखा कपते ही, जब सोते हुए रात्रि को अंधेरे में देखा हनुमान जी बाहर आ गए, अरे ये दिन का रावण ही है और रात का रावण। और बंधु और बहनों, हम कितना जानते हैं ये बहुत महत्व की बात नहीं, हम कितना और कैसा जीते हैं ये बहुत महत्व की बात है, हमको क्या क्या आता है ये बहुत महत्व की बात नहीं है,
हम कैसे हैं और हम क्या हैं ये ज़्यादा महत्व की बात है। हम बाहर से कैसे हैं ये बहुत महत्व की बात नहीं, हमारे भीतर का चिंतन क्या रहता है ये बहुत महत्व की बात है। जिस दिन मनुष्य सत्य को स्वीकार कर ले कि जैसा मैं लोगों को दिखाई दे रहा हूँ वैसा मैं हूँ नहीं, और जैसा मैं हूँ उसे असलियत को कोई जानता ही नहीं, जिस दिन इस सत्य को स्वीकार कर ले तो बहुत सी चीज़ों के झंझट से उसको मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हमारी सारी जिंदगी असलियत को छुपाने में लगी रहती है और नकली मुलम्मे को चमकाने में लगी रहती है, और अंत में असली ही साथ जाता है, मुलम्मा तो बाहर ही रह जाता है। और रावण यही जीवन जी रहा है, बाहर का रावण धर्मात्मा है, जाकर हनुमान जी भगवान से झगड़ा करते प्रभु आपको गलत फहमी होगी, रावण जैसा धर्मात्मा व्यक्ति जानकी जी का अपहरण नहीं कर सकता, ये संभव ही नहीं है, मैंने देखा है प्रातःकाल से सायंकाल तक की दिनचर्या देखी है। लेकिन हनुमान जी को रात में जब रावण दिखाई दिया तब समझ में आ रे दुष्ट ये तेरा आचरण, और रात के अंधेरे में प्रवेश करते हनुमान जी, और जैसे ही रात के अंधेरे में प्रवेश किया तो लंकिनी चीख पड़ी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहीं चले सी मोहिनी इंदरी, सो कहीं चले सी मोहिनी इंदरी, जा सठ मोरा जाने हूँ नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा, जाने हूँ नहीं मरम सठ लंका में अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत देर हो गई, सूखा सूखा प्रवचन है। आज सवेरे जलपान में क्या कहता महावीर जी, दलिया को छोड़कर बताओ और आहा वो ही बोल रही है सबको, चूंकि दलिया तो किसी ने खाया नहीं होगा मेरे अलावा है, इसलिए मैं कहा दलिया छोड़कर बताओ, चलो भाई थोड़ा सा इनकी नींद खुलवाओ। बजरंग बाला जपु थारी माला, राम दूत हनुमान भरोसो भारी है, बजरंग बाला जपु थारी माला, राम दूत हनुमान भरोसो भारी है, बजरंग बाला जपु थारी माला, राम सब करो लाल लंगोटो वालो तू अंजनी मां, सब खड़े हो सब खड़े हो सब खड़े हो, आगे वाले भी हाँ सब खड़े हो, लाल लंगोटो वालो तू अंजनी मां को लालो तू, लाल लंगोटो वालो तू अंजनी मां को लालो तू, राम नाम मत मारो तू भक्तनी
भगवान की जय। आप सब लोग एक मिनट यही बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए, यही की यही चिंता मत करो, सब बैठ जाओ, एक मिनट बैठो, एक मिनट जो बैठे रह गए वो जरा खड़े हो, तुम तो खड़े थे, जो बैठे रह गए वो खड़े हो, खड़े होना पड़ेगा, खड़े हो, जो बैठे रह गए वो खड़े हो, मैं कथा करूंगा, इन्हें बैठा मैं बैठा हूं, जो बैठे रह गए वो खड़े हो, खड़े हो, हाँ बैठे रह गए ना, कौन कौन बैठे रह गए, जो बैठे रह गए खड़े हो गए, चलो अब तुम्हें कोई बजरंग बाला जप थारी माला राम दूत हनुमान भरोसो भारी है, अरे बजरंग बाला जप थारी माला राम दूत हनुमान भरोसो भारी है। अपनी अपनी सीट पर जाइए। अब देखो मैं कैलाश जी को सुभाष जी को तो कह नहीं सकता कि नाश्ते में आइटम घटा दो, चूंकि आप अपनी शुल्क मांगने लगे जाओगे, फिर तो मैं देख रहा हूँ 80% लोग ऐसे लगता था जैसे लोरी गाई जा रही है और देख रहाटे। अच्छा हाँ, हनुमान जी की कथा और खर्राटे, कहाँ थे नाम लंकनी एक निशचरी, नाम लंकनी एक निशचरी, सो कहीं चले सी मोहिनी दरी, सो कहीं चले सी मोहिनी दरी, जा मत होइए, मैंने दोपहर का इंतजाम कराया है ताकि ये थोड़ा कूद मटकने से जो बीच का माल था नीचे उतर जाएगा, फिर दोपहर के लिए खाली जगह हो जाएगी। मैं जो कुछ करता हूँ आपके फायदे के लिए ही करता हूँ, नुकसान कुछ नहीं। शुल्क पूरा वसूलिए, अब दो दिन बचे हैं, पूरा शुल्क वसूलिए, तो इसलिए मैंने उसकी व्यवस्था कर दी। हम लोग थे ना छोटेपन में ब्रजवासी, मोहन जी बैठे तो ये इन्होंने भी ये काम किया है, हम लोगों के दावत होती थी ब्रज में, दावत कभी कभी होती थी, ब्रज में बड़ा गरीब प्रदेश, तो जिस दिन दावत होती थी सवेरे से कुछ खाने को नहीं मिलता था, तो दावत वाले दिन हम लोगों की 2 बार पिटाई होती थी अम्मा के द्वारा, 2 बार सवेरे अगर रोटी मांग ली खाने को तो 2 थप्पड़ मारती थी, वहां जाके का खावे वो ठूस के आप पूरा का पूरा, फिर शाम को आके तो शाम को अगर रोटी मांग ली तो फिर ठुकाई करती थी, वहां का खा के आयो, एक 2 बार ठुकाई होती, तो इसलिए पूरा न्याय करिए, ठीक, इसलिए मेरा अन्याय थोड़ा सहलो हंस के, कोई बात नहीं, वहां बोरा नहीं, आहा मन की बात कह दी सब। लंकिनी नाम की राक्षसी लंका के मेन गेट की चौक, देखिए आप थोड़ा सा रावण की विद्वत्ता देखिए, इसने मेन चौकियों पर महिलाएं बिठाई थी, मेन चौकी पर सबसे पहली चौकी इसका राज्य था बक्सर के पास, वहां ताड़का थी, आगे चलिए तो समुद्र की जो इसकी सेना थी रडार पर उस पर सिंहिका थी, यहां जब लंका में मेन गेट पर प्रवेश द्वार था, मेन गेट जिसको बोलते हैं, वहां पर लंकिनी थी, सीता जी जहां रहती थी वहां इतनी बारीक सुरक्षा लगाई थी, वहां त्रिजटा थी, सभी जगह इसने महिलाओं को नियुक्त किया, क्यों किया, कई लोग कहते कायर था इसलिए महिलाओं को आगे कर देता था, नहीं रावण कायर नहीं था, कायर के लिए कभी भगवान नहीं आएंगे, कायर के लिए कभी भगवान नहीं आए, कायर नहीं था, गलत कहते हैं लोग, रावण बहुत दूरदृष्टि वाला था, रावण जानता है कि पुरुषों की आंखों में व्यक्ति को पहचानने की क्षमता नहीं हुआ करती,
व्यक्ति की असलियत पहचानने की क्षमता विधाता ने माताओं बहनों को दी है, महिलाओं को दी है, और ये उनका सुरक्षा कवच है। कोई भी महिला एक बार ऊपर से नीचे तक व्यक्ति को देख ले, उसके भीतर तक के संस्थान को पहचान जाते कि स्वभाव से आदमी कैसा है, एक बार वो देख ले। और आपके रोज के अनुभव होंगे, आपसे मिलने कोई आया, ड्राइंग रूम में बैठा और आप गए अंदर रसोई में कि जरा दो कप चाय बना देना, वो पूछे कि कौन आया है, बोले वो आया है। अरे वो आया है, संभल के रहना, कहीं बात में फंस जाओ, तुम नहीं जानते उसको, वहीं से एकदम के फिर आए बाहर, फिर चाय लेने आया, फिर वो आंख निकालती है, मैं क्या कह रही हूँ, याद है कि नहीं याद है, ध्यान करना कहीं बातों में आ जाओ। माताओं को इस बात की योग्यता विधाता ने दी और वही उसका सुरक्षा कवच है, व्यक्ति को पहचानती है। ऊपर से कैसे हो वो ये नहीं देखती, तुम भीतर से कैसे हो आंख उठाते ही वो पहचान लेती है असलियत। आप देखिए मशक समान कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी हनुमान जी, मच्छर जैसे, इसलिए फट से पड़ाए, चोर खबरदार कहीं के, तुझे मालूम नहीं मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी को माथा ठनका, चोरी का पता लगाने आया हूं, और मुझे चोर कहती है, दौड़ कराए एक कम्मा मुठिका एक महा कप हनी, खून की उल्टियां करने लगी, बेहोश होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर तक हनुमान जी तमाशा देखते, जैसे ही उठी पुन संभार उठी सो लंका, ये सूत्र है बंधुओं, जीवन में सभी से कुछ न कुछ भूल होती है, लेकिन मुक्का खाकर संभलना यही मनुष्यता होती है, यही मनुष्यता है। राक्षस की रक्षा में थी, राक्षस के साथ थी, भूल में थी, संत ने मुक्का मारा, संभल गई, संभल गई। भूल होना ये स्वाभाविक है, रस्ते में चलना ये स्वाभाविक है, कपड़े मैले होंगे स्वाभाविक है, लेकिन धोना ये समझदारी है। फिर थोड़े उस रास्ते पर संभल कर चलिए, अगर कीचड़ है तो गाड़ी निकलती तो दूर खड़े हो जाइए, छींटे नहीं आएंगी। फिर वैसे अंधे होकर चलोगे तो रोजाना छींटे और कीचड़ आएगी। तो मुझे चौपाई बहुत अच्छे, पुनि संभार उठी सो लंका, पुनि संभार उठी सो लंका, जोरे पानी कर विनय सशंका, जोरे पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंची कहाँ मोहि चीन्हा, चलत विरंची कहाँ मोहि चीन्हा, बिकल हो सीते कपि के संभल गए। संत का मुक्का लगा, गिर के संभल गया। संत का मुक्का गिरे हुए कोई संभालता है। मुक्का क्या है? देखो हम जो बोल रहे हैं प्यार से, पुचकार कर, कोई चुटकुला सुनाकर, थोड़ी सी कड़ी भाषा भी बोलकर प्रहार ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? आपके विचारों पर हम प्रहार ही तो कर रहे हैं, और चूंकि विचार यहां रहते हैं इसलिए सिर में ही तो मुक्का मारा जाता है, सिर पर ही प्रहार किया जाता है, विचारों पर ही तो प्रहार किया जाता है।
संभल गई, पुरानी बात याद आ गई, ब्रह्मा जी मुझे आशीर्वाद देकर गए थे। अरे लंकिनी, जिस दिन तू किसी बानर के मुक्के से मूर्छित हो जाए, समझना रावण कुल का अंत आ गया। हनुमान जी, अब मेरी शुभकामनाएं, प्रवेश करो। हो प्रभी नगर की जैसा पुकार जा, हृदय राखे कौशल पूर राजा। सुभागमन हुआ, बार बार व्यासपीठ आपको प्रणाम करती है। बुआ जी संत हैं, बुआ जी संत हैं। आप रानी सती का दर्शन करने आज जाएंगे, कल जाएंगे? रानी सती का दर्शन करने कल जाएंगे। रानी सती भस्म होकर सती हुई थी, बुआ जी जीवित सती हैं, बचपन से भजन में जीवित सती, जागृत सती हैं, बोलती चालती सती। मुझे लगता है शायद 11 वर्ष की अवस्था से ही बुआ जी भजन में हैं। प्रथम शादी के समय ही पतिदेव नहीं रहे, 11 वर्ष की अवस्था से केवल भजन ही भजन में डूबी हैं, भजन ही भजन में। इस और संयोग से झुंझुनू में ही निवास करती है। कल आप जाएंगे बुआ जी के वहाँ आवास पर, जहाँ बुआ जी भजन करती है, वह जाएँगे आप। जीवित सती व्यासपीठ बार बार प्रणाम करती है। तो ये तीसरी लंकिनी, नाम लंकिनी एक निश्चय, ये भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि माने मेरा और तेरा। भेद क्या है? कहती चोर खाती हो, हनुमान जी कहते चोर तो तेरे घर में बैठा है, रक्षा करती हो, और जो चोरी का पता लगाने साधु आया उसे चोर कहती हो। बुद्धि ठीक नहीं है तुम्हारी, बुद्धि को ठिकाने ला दिया, एक मुक्का दिया, बुद्धि ठीक हो। इस विषय पर भी मैंने सब कथाओं में बहुत विस्तार से बोल दिया। देखिए व्यवहार में थोड़ा बहुत भेद होता है, ये मैं जानता हूँ। जो थाली बेटे को परोसी जाती है वही थाली हम नौकर को नहीं परोस सकते, ये हम जानते हैं। जो चाय हम पीते हैं वही चाय बनी हुई ऐसी की ऐसी हम अपनी मेहरी को नहीं पिला सकते, ये हम जानते हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं वही कपड़े हम अपने नौकर नौकरानियों को नहीं खरीदवाते, ये हम जानते हैं। व्यवहार में ये नहीं होता है, ये मुझे मालूम है। लेकिन अगर विचारों में ये बात आ जाए, हैं तो सब परमात्मा के स्वरूप प्रभु, ऐसी बुद्धि हो जाए कि मुझे बेटा और नौकर एक दिखाई देने लगे, सुनिचई वह सुपाकी चय पंडिता समदर्शन, में ऐसा वेदांत में आया तो बड़ी कृपा, और भजन उसी सीमा तक चला जाता है, उसी सीमा तक चला जाता है। ये बिना सत्संग के नहीं होता, ये बिना सत्संग के नहीं होता। क्योंकि जब तक किसी संत का प्रहार नहीं होता हमारे विचारों पर, तब तक विचार शुद्ध नहीं होते। इसलिए मैंने अभी, मैं झुंझुनू में भी कथा में था, वहां भी मैंने निवेदन किया, हम लोग ब्राह्मणों को संतों को कुछ दान करते, करना भी चाहिए, क्योंकि दान ही सबसे बड़ा पुण्य है, और कोई दूसरा पुण्य नहीं। भजन को भी पुण्य नहीं कहा, भजन व्यक्तिगत है, दान के साथ ही पुण्य शब्द लगा हुआ है। भाई को दान पुण्य करो, पुण्य शब्द और किसी के सामने नहीं लगा है। तो हम लोग दान करते हैं, दान की वस्तु से कभी आशीर्वाद नहीं मिलता, ये समझ लीजिए। आशीर्वाद मिलता है साधु के, ब्राह्मण के हृदय की प्रसन्नता से।
अब आप अगर कूड़ा दान करोगे और आप चाहोगे कि सब संकट दूर हो जाएं, और जिसको दिया जा रहा है वो कूड़ा, वो मन महसूस रहा है कि कहाँ क्या दे दिया है, तो वो आशीर्वाद नहीं आता है। आशीर्वाद आता है जब साधु ब्राह्मण आपकी दी हुई वस्तु को प्रसन्नता से उपयोग करता है। इसलिए मैं इस पर बहुत जोर देता हूँ, भले ही जीवन में कभी मत दान करिए, भले ही एक बार ही दान करिए, किसी को एक बार ही वस्त्र दो, किसी को एक बार ही कंबल दो, किसी को एक बार ही बर्तन दो, किसी को एक बार ही कोई चीज दो, लेकिन इतनी बढ़िया दो कि जब वो उपयोग करे आपको याद करके करे, सिहाकर करे, प्रसन्न होकर करे, तो हो जाए। ताली तो बहुत अच्छी बजाई है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन भी करिए इसमें। ताली तो बहुत अच्छी बजाई, थोड़ा सा परिवर्तन। माई, हमारी अटैची की अच्छी से अच्छी साड़ी पंडितानी को क्यों नहीं दी जा सकती, जहां से आशीर्वाद के द्वार खुले हैं, ये बताइए, वो भी दी जा सकती है। हमारी अटैची में, अलमारी में साड़ियां रखी रखी परत की परत गल जाएंगी, खुलेंगी नहीं, लेकिन पंडितानी को देने के लिए बाजार से कपझन्ना सी साड़ी मंगा लेंगे, ना उसके काम की ना आपके मतलब की। तो अच्छी से अच्छी वस्तु दीजिए, ये सब कहते हैं श्रद्धा का, श्रद्धा नहीं है चालाकी है, ये चालाकी है। श्रद्धा कहते हैं अपने हिम्मत से एक कदम आगे बढ़ने को। जैसे किसी के घर कोई संत भोजन करने आए, गरीब परिवार है, उसकी हैसियत है केवल दाल और रोटी खिलाने की, लेकिन संत के प्रति बड़ी श्रद्धा है, तो श्रद्धा कहाँ दिखाई देगी? श्रद्धा दिखाई देगी कि थोड़े से दही में पानी मिला के अगर छोंक लगा दिया, रायता एक और हो गया। हम तो दाल से ही खाते थे, लेकिन महाराज जी आए हैं, थोड़ा रायता हो गया। रायते बनाने की क्षमता नहीं, चलो धनिये की एक चटनी ही पीस दी, ये श्रद्धा है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से एक कदम आगे बढ़ के जाना, ये श्रद्धा होती है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से पीछे सरक जाना, ये श्रद्धा नहीं है, चतुराई है, ये चालाकी है। मैं समझता हूँ कि अब इस विषय पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, तो उसमें लिखा जाता था, पूरी चिट्ठी लिखने के बाद थोड़े लिखे को। अच्छा, मुझे हमारे सहयोगी कहते हैं कि आप ये विषय क्यों लेते हैं, ये तो सब ऐसे के ऐसे रहने वाले हैं। मैं कहता हूँ मैं और किसी के लिए नहीं ले रहा, मैं अपने लिए लेता हूँ कि मुझे कूड़ा ना चढ़ा जाए कहीं आगे। मैं तो अपने लिए बोल रहा हूँ, ये कूड़ा कहीं मुझे ही ना चढ़ा जाए, कम से कम मुझसे तो दूर रखे। बाकी पंडित जी का जो करना है सो आप करो, मुझे बात। यहां से हनुमान जी लंका में प्रवेश करते, भेद मिटा, प्रवेश हो गया। रावण कितना होशियार था, बहुत पाखंडी था रावण। रावण के पाखंड को हनुमान जी भी पहचान नहीं पाए, पाखंड को पहचानना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। रावण ने जितने मकान बनाए थे सब मंदिर जैसे दिखाई देते थे। हनुमान जी ने कहा इतने मंदिर तो मैंने अयोध्या में भी नहीं देखे। तो मंदिर मंदिर प्रतिकार शोधा, मन मंदिर मंदिर प्रति कर सो गाओ, मंदिर मंदिर प्रति कर सो करते, अनुसंधान करते, कई भक्ति है, कई विचारों की शुद्धि है, कुछ शुभ है कि नहीं। मंदिर महन दीख वै देख, मंदिर तो है, पूजा भी हो रही है, लेकिन देवों की नहीं हो रही, भोगों की पूजा हो रही, भोगों के अंबार, मदिरा के कुंड फूटे पड़े,
भयानक राक्षस राक्षसियां, एकदम हनुमान जी की आंख बंद हो गई, यहां ऐसे पाप में मेरी मां ने रह सकी, निकल आए और भवन की दीवार से दीवार लगी थी, एक सुंदर मकान बंगला दिखाई दिया, हरि मंदिर था भिन्न, लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य मंदिर, तुलसा महारानी का बिरवा, रामायण ग्रह, हनुमान जी खड़े सोच रहे लंका निकल कर रहे हैं अपने मन से, क्या देख रहा हूं मैं, इतना पाप और ये भगवत भक्त, यहां कहां सज्जन करे वासा, कहीं यहां तो धोखा नहीं है, इतना सोच ही रहे थे, विभीषण जाग गया, ते ही समय विभीषण जागा। ये जीवन का सबसे मूल्यवान सूत्र है, के ही समय, बोले ते ही समय। जब तक श्री हनुमान जी विभीषण के द्वार पर नहीं आए थे, विभीषण सो रहा था, संत द्वार पर आ गया, विभीषण जाग गया। विभीषण जीव का प्रतीक है, विभीषण मानस में, जीव तब तक नहीं जागता जब तक कोई संत जीवन में आता नहीं, और जाग गया उसका लक्षण क्या है, जानी ये तब ही जीव जग जागा, जानी ये तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय जब सब विषय
साधु कोई संत जीवन के द्वार पर नहीं आता। ध्यान से सुनिए, गोस्वामी जी ने घर का द्वार नहीं लिखा है, जीवन के द्वार पर चले। घर के द्वार पर तो संत खूब आते, कई बार घरों में टिकते भी हैं, रहते भी हैं, जीव नहीं जागता। घर के द्वार पर नहीं, कोठी बंगले के द्वार पर नहीं, जीवन के द्वार पर संगा संत आए। द्वार पर जो खड़ा होता है वो दो काम करता है। आपका संतरी द्वार पर खड़ा है, वो दो काम करता है, बाहर से अंदर कौन जा रहा है और अंदर से बाहर क्या लेकर जा रहा है, ये दो काम करता है। हमारे जीवन के द्वार पर संत खड़ा है तो बाहर से चाय जिसको अंदर प्रवेश नहीं कराएगा, फिर पाप, फिर अपराध, ये रुक जाएंगे। नहीं, मेरे जीवन में संत आ चुके हैं, पहले हो जाता था, पहले जीवन में बहुत सी चीजें चलती थी, अब द्वारपाल बनकर संत खड़ा है, अब नहीं। अब मैं भीतर से बाहर कहां ले जाऊं अपने मन को, वहां तो संत खड़ा है द्वार पर, चेक कर लेगा कि कहां जा रहा है। सवेरे तो मंदिर गया था, इस समय मदिराला कैसे याद आ गया तुझे, सवेरे तो तू कथा में बैठा था, इस समय क्लब कैसे याद आ रहा है। द्वार पर संतरी खड़ा है संत के रूप में, जीवन के द्वार पर किसी संत को रखिए। अब संत को द्वार पर खड़ा करना ये जब जल्दी समझ में आएगा नहीं, चूंकि आप भौतिक रूप से देखोगे कि हाँ संत हर समय साथ, नहीं नहीं, तो मैं संत का प्रसाद दे रहा हूं, जीवन के द्वार पर कथा को खड़ी रखिए, मैंने कथा सुनी है, अब उधर नहीं जाएंगे, पहले चले जाते थे, हमने कथा सुनी है, बात खत्म हो, रक्षा हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी, नहीं तो कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं। जब सब विषय विलास विरागा ये स्थिति होती, देखिए इंद्रियां हैं शरीर में, हर इंद्रिय का विषय है, विषय को भोगना अपराध नहीं है, जिह्वा है स्वाद लेना ही चाहिए, नाक है सुगंध लेनी ही चाहिए, हाथ है स्पर्श करना ही चाहिए, ये हमारी इंद्रियों के जो विषय हैं वो होने ही चाहिए, आंखें हैं सौंदर्य देखना ही चाहिए इनको, इसमें कोई अपराध नहीं है। नियम पूर्वक धर्म के परिप्रेक्ष्य में, धर्म के संरक्षण में, धर्म की मर्यादा में विषय भोगना ये कोई अपराध नहीं है, हर इंद्रिय का विषय है, लेकिन विलासिता खराब है। विलासिता कहते हैं कि ये स्वाद की चीज वस्तु जब तक नहीं मिलेगी मन चैन नहीं पाएगा, हमको वो चाहिए। जब कोई चीज अपरिहार्य हो जाती है, इसके बिना हम जीवित रह ही नहीं सकते, इसके बिना मर जाएंगे, इसके बिना बेचैन रहेंगे, इसको कहते विलासिता। इंद्रिय जन्य सुख भोगना ये धर्म है, ये अपराध नहीं है, लेकिन इंद्रियों की इच्छा के अनुरूप आप बेचैन हो जाएं ये पाप है, ये विलासिता है। मैं समझता हूं कि क्लियर हुआ विषय। तो हनुमान जी ने देखा कि ये तो राम राम सुमिरन कर रहा है, कुंडली खटखटा दी, क्योंकि हनुमान जी जान गए एही सन हठे कारी हाहू पाही चानी, एही सन हठे कारी हाहू और साधुत्व हो न कार जहानी, साधु से कभी किसी का अहित नहीं हो सकता, कभी अहित साधु कहते हैं उसको, जो सध गया वो साधु है, वो कैसे किसी दूसरे को गिरा देगा, जो स्वयं सधा हुआ है वो दूसरे को गिरा, जो स्वयं डगमगा रहा है वो उसे साधोगे वो ही दूसरे को गिरा देगा। कुंडली खटखटाई, विभीषण ने द्वार खोला
प्रवेश हुआ, पहले हनुमान जी कथा सुनाई राम कथा, तब हनुमंत कही सब राम कथा, उसके बाद नाम कहा। विभीषण ने पूछा आपका नाम क्या है, तब कहा कि वैसे तो कोई नाम नहीं है लेकिन हमको रामदूत ऐसे हनुमान करके बोलते। बहुत देर तक बातचीत होती। हनुमान जी ने कहा कि भैया रात मैंने लंका देखी, इतना पाप हो रहा है, कुछ कुशल कुटाहर वास तुम्हारा, खल मंडली बसे दिन राती, सखा धर्म निभाए कई भांति, इतना पापाचार हो रहा है, ये सब राक्षस तू कैसे रहता है। ओहो रो पड़ा। अरे हनुमान जी आपने हमारे पके हुए फोड़े को चोट लगा दी, जिस दर्द को हम छुपाए रखते थे। आपने पूछा कैसे रहते, सुनो सुना हूं पवन सुत रहने हमारी, सुना हूं पवन सुत रहने हमारी, जिमी दर्शन रहते, जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी जीव रहती है ऐसे दबे। हनुमान जी ने कहा तू बिचारा कैसे है रे, तू कैबिनेट मिनिस्टर है, रावण का छोटा भाई है, सबसे ज्यादा तुझे लाड़ प्यार रावण करता है, अपने मकान के पास तुझे मकान बनवाया है उसने, उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती है, तू बिचारा कैसे, और इतना होने के बाद भी अगर तू अपने को बिचारा कहता है तो तूने कभी इस बात का विचार किया कि इतना सब होने के बाद तेरी ये बेचारगी की स्थिति कैसे बन गई, ये तेरी बेचारगी की स्थिति कैसे हुई। और सुन विभीषण, तूने कांटे तो देख लिए, तूने दांत तो देख लिए कि 32 दांत है, अरे बावले दांत नहीं होंगे तो जीव भी शांत नहीं रहती है। आप देखो जिनके एक भी दांत नहीं रहता उनकी जीव ऐसे घूमती रहती है भीतर, ऐसे 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 दांतों के कारण से जीव शांत रहती है। अगले ये तेरी रक्षा में है सारे के सारे, कांटे तो तूने देख लिए लेकिन खिले हुए फूल नहीं देखे। और सुन विभीषण, अगर कांटे नहीं होंगे पौधे में तो फूल भी नहीं खिलेगा, क्योंकि जिस पेड़ में कांटे नहीं होते उसको बच्चे ही तोड़ देते हैं, उसको गाय भैंस कुतर देती है, तो तेरी रक्षा है, तुझे मालूम है नहीं, ये सब तेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, इसी के कारण तो तुझे भगवान याद आ रहे हैं, नहीं तो तू भी खर्राटे लेकर सो रहा होता मदरा पीकर। हनुमान जी ने दृष्टि बदल दी, संत सृष्टि नहीं बस सृष्टि कोई नहीं बदल सकता, सृष्टि परमात्मा के हाथ में है, संत देखने की दृष्टि बदल देते हैं। देखिए मैंने कई बार बताया है, दो शब्द होते हैं, एक होती है भगवान की इच्छा, एक होती है भगवान की कृपा, ये दोनों ही भगवान के प्रसाद हैं, इच्छा भी भगवान का प्रसाद है और कृपा भी भगवान का प्रसाद है, और प्रसाद का कभी स्वाद नहीं लिया जाता, प्रसाद की कभी व्याख्या नहीं की जाती, प्रसाद को कभी नानुच नहीं किया जाता, प्रसाद को कभी थूका नहीं जाता, फेंका नहीं जाता, प्रसाद हाथ पसार कर लिया जाता है, सिर माथे लगाया जाता है और कैप्सूल की तरह सीधा सटका जाता है। प्रसाद का कभी स्वाद नहीं लेते, प्रसाद को कभी थूकते नहीं, फेंकते नहीं। इच्छा भी भगवान का प्रसाद है और कृपा भी भगवान का प्रसाद है, अंतर क्या है? इच्छा कहते हैं जब घर परिवार दुकान मकान रोटी रोजगार बहू बेटे बाल बच्चे सब अपने मन के अनुसार चल रहे हैं तब समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है, और जब दुकान मकान घर परिवार कारोबार व्यापार बाल बच्चे बहू आदि सब अपने मन के अनुसार नहीं चल रहे तो समझ लो भगवान की इच्छा है। अभी उसकी इच्छा यही है कि थोड़े ची चपट में रहे, ये दोनों ही भगवान के प्रसाद हैं। और कभी कभी भगवान ये देखना चाहता है कि भक्त तो बड़ा बनता है, केवल मेरी कृपा के सूजी के हलवा का ही प्रसाद लेता है, या कभी कभी इच्छा का चटपटा पोहा भी पसंद करता है, ये भगवान कभी कभी प्रयोग करके देखा करते हैं। और ये सिद्धांत है भगवान का
कि जो भगवान की इच्छा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लेता है उसके ऊपर भगवान की कृपा बहुत जल्दी हो जाया करती है, देर नहीं लगाती, तुरंत। विभीषण को थोड़ा संतोष हो तो विभीषण ने कहा एक बात बताइए, तात कब मोहे जाने अनाथा, तात कब मोहे जाने अनाथा, करी हाहि कृपा भानु सतनु कछु साधन नाही, तामस तन कछु। हे हनुमान जी, हम तो राक्षस है, तामस तन, कोई भजन पाठ हमसे होता नहीं, क्या कभी परमात्मा हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे? विभीषण की बात सुने हनुमान जी हंस पड़े, रे बावले हम कौन बड़े उच्च कुल खानदान में पैदा हुए, कहो कवन में परम कुलीना, हम कौन से ऊंचे खानदान में पैदा, कपि चंचल सब ही विधहीना, अरे हमारा तो कोई सवेरे नाम ले ले, प्रात ले जो नाम कुल खानदान में पैदा, हमारा तो सवेरे कोई नाम ले ले उसको आहार ही नहीं मिले, तेई दिन ताही न मिलई आहारा। यहां थोड़ा गलतफहमी लगती है लोगों को, हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है और कहते हमारा सवेरे नाम ले ले उसको रोटी ना मिले आहारा ना मिले, मानस की चौपाई गोस्वामी जी गलत नहीं लिख सकते, ये सत्य है। हनुमान जी का प्रातःकाल पाठ करने वाला उसको दिन में आहारा नहीं मिलता, उस दिन ते ही दिन, किस दिन, जिस दिन हनुमान जी का व्रत करे, कौन से दिन होते हैं हनुमान जी के व्रत, मंगल और शनिवार, तो कहते मेरे दो दिन है भैया, दो दिन जो मेरा सवेरे पाठ कर ले उसे उस दिन आहारा नहीं खाने देता मैं। आहारा क्या होता है, देखिए चार प्रकार के आहार होते हैं, एक आहार होता है जिसे ऋषि मुनि खाते हैं, करहि आहारे शाक फल कंदा, करहि आहारे शाक फल कंदा, करते करई आहार क्या होता है, साग फल और कंद। भजन करने वाले को अपने भोजन में तीन चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए, साग, साग कहते हैं पत्ती वाली सब्जी को, पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई,
सरसों, चने का साग, ये जो पत्ती वाली सब्जी है इसको कहते हैं साग। इससे पेट शुद्ध होता है, पेट गुड़गुड़ करता है, भजन में मन नहीं लगता, जवाही आती है, नींद आती है, आलस्य आता है। इसलिए भोजन में मौसम के अनुसार पत्ती वाली सब्जी करें आहार, साग फल। भोजन में मौसम के भी फल चाहिए, जिस मौसम में जो फल आ रहा है, फल से बुद्ध मन शुद्ध होता है। इसलिए व्रत वाले दिन हमारा मन पवित्र हो इसके लिए फलाहार करते हैं हम लोग, मौसम के फल। ये नहीं है कि अकड़ में कीवी मंगा लिया। तो भारत के जन्मे हुए और मौसम के, और कंद, कंद माने जो जमीन में से निकलता है, शकरकंद है, मूली है, गाजर है, शलजम है, चुकंदर है, प्याज है, लहसुन है, ये सब कंद है। इससे बुद्धि शुद्ध होती है, इससे बुद्धि शुद्ध होती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरा सवेरे जो जब उसको आहार नहीं मिलेगा, आहारा, तो पहला तो हो गया आहार, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जो भक्त लोग संत लोग करते हैं, तुम ही निवेदित भोजन कर। जो भक्त लोग करते हैं, मंदिर में भोग का थाल लगाते हैं, और अभी बिहारी जी का भोग आया है, जो थाल जाता है उसको भोग कहते हैं, जब निकल के आता है तो उसे प्रसाद कहते हैं। ये दूसरे प्रकार का है। तीसरे प्रकार का जिसको गृहस्थी करते हैं, चौके में बनता है और चौके के पास बैठकर जिसको पाते हैं उसको गृहस्थी, ये तीसरे प्रकार का है। कौन सा? भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत जिसे गृहस्थी करते उसको कहते भोजन। पहले प्रकार का हुआ आहार, दूसरे प्रकार का हुआ प्रसाद, तीसरे प्रकार का हुआ भोजन। और जिसको रावण के भाई भतीजे करते हैं उसको कहते आहार आज। सुरन मोहे दीन आहारा, आज सुरन मोहे। इसकी व्याख्या इसलिए नहीं करूंगा कि रावण का कोई भतीजा यहाँ बैठा नहीं है। आहारा कहते अभक्ष भक्षण मांस आहार, इसको कहते आहारा। हनुमान जी कहते हैं जिस दिन मेरा व्रत करो उस दिन आहारा से मुक्ति मिल जाएगी। दो दिन तो मेरी ओर से है, रोज करता है तो रोज भी हो जाएगी। ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे। अरे विभीषण तो नाचने लगे, अब मोही भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा निरहि नहीं संता। अरे अब मोही भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा निरहि नहीं संता। हाँ जी बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, ए जी बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण नाचने लगे, भरोसा हो गया कि प्रभु की कृपा मुझे जरूर मिलेगी। हनुमान जी ने कहा ऐसे कैसे, कोई कोई SMS आ गया? बोले SMS नहीं, पूरा का पूरा मोबाइल टावर आ गया मेरे पास। कैसे? बोले आप जो आ गए,
मेरे शास्त्र में पढ़ा है हनुमान जी कि जब संत मिल जाता है तो भगवंत मिलता ही है, ये उसकी गारंटी है। पहले संत मिलता है फिर भगवंत मिलता है। कल हमने वो राधे श्याम जी का भजन गाया था, फिर गा लो। जब संत मिलन हो जाए, 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 तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, जब मन गद गद हो जाए, तेरा मन गद गद हो जाए, दर्शन को मन लग जाए, दर्शन को मन लग जाए, कोई और न मन को आए, कोई और न मन को आए, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा, हरि वो तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। विभीषण को भरोसा कब हुआ? जब हनुमान जी से कथा सुन ली। बिना कथा सुने भगवत दर्शन का भरोसा हो ही नहीं सकता, और जो हमको भगवान के दर्शन का भरोसा जगा दे वही कथा है, बाकी सब व्यथा है, वही कथा है। कथा सुनकर अगर भगवत मिलन का भरोसा हो सकता है कि हाँ अब मुझे भी समझिए, कथा सुन नहीं होता है तो फिर मनोरंजन में गए, फिर मनोरंजन में गए, ये भरोसा है। कथा सुनी, भगवत दर्शन का भरोसा जगा, हनुमान जी को भी थोड़ा सा बल मिल गया। हनुमान देखिए, भगवत दर्शन का संकेत है संत मिलन। संत भगवंत की पुलिस के सिपाही होते हैं। पुलिस आ गई, इसका अर्थ कोई न कोई VIP आ रहा है। अभी मैं आ रहा था तो एक पुलिस के सज्जन बाहर खड़े थे संगीन लेकर, तो मैं समझ गया भीतर कोई VIP होंगे, पता लगा राम निवास जी आए हुए हैं। ये नियम, ये नियम है। अभी तो हाथ कंगन को आरसी क्या, वो तो प्रकट है।
हनुमान जी को ऐसा बल मिला, बोले अब ये मेरे साथ चल देगा। और तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, हो गया अब तो ये मेरी बातों में आ गया, कथा सुनकर गदगद हो गया, चलो भैया बांका दर्शन कर। देखी, अरे भजन का तो अर्थ है क्या भक्ति करो, भजन का तो अर्थ है भक्ति में डूबो, भक्ति की ओर चलो, जीवित भक्ति तुम्हारे भैया की यहां निवास कर, चलो ना। लेकिन हमारा ही बड़ा भाई है जो गति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा दी। भोगी है, भोगी कायर होता है, भोगी कायर ये सत्ता का भूखा है, ये चाहता तो है कि सत्यनारायण बातों से मिल जाए लेकिन त्याग करना नहीं चाहता है, और सत्ता तो अनीति से है वहां, और अनीति की सत्ता की भागीदारी तो मन मस्तिष्क हृदय सबको बिगाड़ देती है, इसको डर लगता है। पहले तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देगा, अगर मैंने तनिक भी इसकी साथ गया, लाल बत्ती गई, मंत्रिमंडल से गया, लड़की कुआरी बैठी है, फिर कोई शादी में भी नहीं आएगा, लाल बत्ती के समय शादी होगी तो गिफ्टों से घर भर जाएगा, तो तरकीब बता दी, अभी तो मेरी कैबिनेट की बड़ी जरूरी बैठक है, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा करो आप चले जाओ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, ये दूसरे को बता रहा है भक्ति का मार्ग, स्वयं उलझा हुआ है वासना की कीचड़ में, हम दूसरों को रास्ते बता रहे हैं स्वयं झाड़ियों में फंसे, हम अपने बाल बच्चों को सदुपदेश दे रहे तुम ऐसा मत करो, और हम वही सब कर चुके हैं, हम सब उसी में डूबे हुए, हम दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं, सुमत स्वयं अंधेरे में ठोकर खा रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति कलंकित ही होता है, नहीं गया, जाएगा तो जरूर लात खाकर, रावण की लात खाकर जाएगा, संत की बात मानकर नहीं जा रहा है। और ये नियम है कि जब तक जीव को संसार की लात नहीं लगती तब तक संत की बात नहीं लगती, और जब तक संत की बात नहीं लगती तब तक भगवंत की याद नहीं लगती। अगर ये हनुमान जी की बात मानकर जानकी जी के पास आ गया होता तो विभीषण के सारी दुनिया में मंदिर बने होते, विभीषण को राम तो मिले, शरणागति तो हुई, लेकिन कलंक साथ आ गया। आज तक कोई विभीषण का नाम आदर से नहीं लेता है। तो हम लोग दूसरों को तो रास्ते बहुत बता रहे हैं लेकिन हम स्वयं भटके भटके हैं। हनुमान जी का भैया तेरी राजी मैं तो चला, चले पवन सोत विदा और मुझे लगता है तभी से कथावाचकों को विदा देने की पद्धति आई होगी, तभी से कथावाचकों को विदा देने की, उन्होंने कहा यार इतनी देर कथा तो सुन ली, 9 दिन कुछ दे तो सही, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मानस बोला है चले हो, मैं गंगाधर जी को नहीं बोल रहा हूं, मैं तो हनुमान जी की बात बोल रहा हूं, चले हो
पवन सुत विदा जी चले। अभी अभी मेरे पास हनुमान जी का ही संकेत आया है कि तू मेरे पीछे पीछे मत चलाना, तो तू भी पकड़ा जाएगा, तेरे चक्कर में मैं भी पकड़ा जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे अशोक वाटिका जाने दे, तू मेरे पीछे बाद में आना। इसलिए इस प्रसंग को अब यहीं रोकता हूं। अब हनुमान जी को चलने देते हैं, फिर जब जानकी जी से भेंट होगी उसका दर्शन कल प्रातःकाल ठीक 9 बजे। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं वाम भाग शो प्रीत जग जननी चरण विराजत हे सुत अंजनी इन चरणों में जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं चरणों से निकली गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारी इन चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे मैं सुन सुन निज जनम सवारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सालासर भगवान की जय पूज्य कौशल जी महाराज की जय आज के आनंद।